गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। टुडे इन आवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास वी स्टार्ट टर्म थ्री। आज अपन टर्म थ्री स्टार्ट करेंगे। इन टर्म थ्री आवर फर्स्ट लेसन इज़ द फ्लड, पेज नंबर थ्री। फर्स्ट लेसन द फ्लड। हाउ डू यू गेट टू नो व्हेन देर इज़ ए फ्लड? सर्किल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अपन को कैसा मालूम होता फ्लड आया नहीं आया बोल के? किस चीज़ के वास्ते मालूम होता, कहाँ से मालूम होता? फॉर एग्जांपल रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल। इन पांच चीज़ों में से कैसा मालूम होता अपन को फ्लड आया? उसको सर्किल करना है। आप लोगों की टर्म बुक में सर्किल करें। सो फर्स्ट वी स्टार्ट आवर लेसन। इट वॉज़ ए मिड नाइट। थंडर्स एंड लाइटनिंग वोक द विलेजर्स ऑफ खासीपुर अप। रहीम एंड अरीफा गॉट आउट बेड एंड लुक्ड आउट द विंडो। इट वॉज रेनिंग हेवीली। स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग। रेन वॉज क्लैटरिंग डाउन ऑन देयर रूफ एंड द वॉटर वॉज गशिंग डाउन टू द ग्राउंड इन ए स्ट्रीम। वेन देर वॉज ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग दे सॉ ट्रीज सॉइंग इन द विंड। ब्रांचेस ब्रोक एंड फेल डाउन। Big pools of rainwater gathered here and there. The two children went back to the bed, shivering in the cold. When they woke up in the morning, it was still raining heavily. Somu uncle, their neighbor, brought bad news. So we completed up to here. आज अपन अपनी क्लास में यहाँ तक देखेंगे। See from first. इट वॉज़ ए मिड नाइट। मिड नाइट मीन्स आधी रात। थंडर्स एंड लाइटनिंग। थंडर्स एंड लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना, कड़कना। जो जब बिजली चमकती तो क्या होता, एक लाइटिंग की जैसी आती, जिसकी वजह से क्या हुआ, खासीपुर विलेज के लोग पूरे उठ गए, नींद में से जाग गए। रहीम एंड अरीफा गॉट आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। रहीम और अरीफा क्या करें, ये थंडर्स एंड लाइटनिंग की वजह से अपने बेड पे से उठ के विंडो में से बाहर देखे। इट वॉज रेनिंग हेवीली। क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज़ हवाएं चल रहे थे। रेन वॉज क्लैटरिंग डाउन ऑन देयर रूफ एंड द वाटर गशिंग। क्लैटरिंग डाउन ऑन द रूफ मीन्स यर सी न्यू वर्ड। द रेन वॉज हिटिंग द रूफ विथ ए लाउड नॉइज। गशिंग मीन्स फ्लोइंग विथ फोर्स। सो पानी कैसा, बारिश कैसा हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। अब टीनों के ऊपर कभी बारिश के छींटे पड़े तो कैसी तेज़ बड़ी आवाज़ आती, वैसी बड़ी आवाज़ आ रही थी बारिश की। गशिंग मीन्स वॉट, फ्लोइंग विथ फोर्स। बहुत ऐसा ज़ोर से बारिश गिरने की वजह से बहुत तेज़ बहुत बड़ी आवाज़ आ रही थी और वो पूरा पानी बह के जा रहा था नीचे। When there was a flash of lightning, they saw trees sawing in the wind. जब एक बिजली चमके तो जो लाइट आती ना, उस जब लाइट आए फदुल्ला क्या देखे, झाड़ा, बड़े बड़े झाड़ा जो है हवा में झूल रहे थे और ब्रांचेस, डालियाँ, टहनियाँ जो रहते वो टूट के बह जा रहे थे। और इतना सारा पानी जमा हो गया था कि बिग पूल्स की तरह दिख रहा था वो। बिग पूल्स ऑफ रेन वाटर गैदर हीयर एंड देर। उन लोग दोनों क्या करें, वो सब मंजर को देख के बहुत डर गए। लो विंडो में से पूरा देख रहे थे ना, वो देख के डर गए। शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स डरना। व्हेन दे वोक अप इन द मॉर्निंग, जब उन सुबह, अब उन डर लेके क्या होगा, सो गए लो रात में। जब उन सुबह उठे फिर भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सोमो अंकल, हु इज़ दिस सोमो अंकल, देर नेबर। उन लोगों के नेबर है सोमो अंकल। उन्हें क्या करे, एक बैड न्यूज़ लेके आए। सो इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास यू विल सी वॉट इज़ दैट बैड न्यूज़। वो बैड न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। सो टुडे इज़ योर होमवर्क फॉर इंग्लिश इज़ यू हैव टू सर्किल दिस। इसके अंदर से सर्किल करना, जिससे अपन को मालूम होता, इन्फॉर्मेशन मिलती फ्लड के बारे में, उसको सर्किल करिए। और जहाँ जहाँ भी मैं ऐसा अंडरलाइन करी, वो पूरे वर्ड्स आप लोग हार्ड वर्ड्स अपने नोट्स में लिखिए। So you have to write this in your English notes. Write term 3, lesson 1, the flood, and write the hard words of first lesson. Thank you.